सो हे गाइस, तो आज मैं आपको लेके आया हूँ और एक नई रूम में, जिसमें आज होने वाला है कुछ धमाका जो आप आगे जाके देखेंगे। तो आज क्या हुआ, जो आज का जो रूम बना है क्वांटम की टीम से, और 20 बंदे क्या हुआ ना, 20 बंदे आने के लिए अब प्रॉब्लम हो गई कि बंदे कहाँ उतरेंगे। तो ये क्या है कि ये वॉइस ओवर है मेरा, क्योंकि क्या हुआ ना, वो मैं जब रिकॉर्ड डाल रहा था तो मेरा जो ऑडियो साउंड है वो कम गया, तो आपको ये इंडियन माइक का जो वॉइस है वो नहीं आएगा। तो इसलिए चलिए आज देखते हैं गेम क्या हो रहा है। तो यहाँ पे मिस्टिक अनिरोप उतर चुके हैं यहाँ पे, और अभी देखिए ये तो 10 मिनट का गेम है पूरा, आप आराम से मज़े उठाइए इसके। और यहाँ पे क्वांटम अमन उतरी थी, मतलब सारे बंदे बूट कैंप उतरे, लिटरली सारे बंदे, बस दो टीम, एक थी रॉकी टीम और एक मिस्टिक अनिरोप, एक उतरे थे रुइंस और एक उतरे थे पैराडाइज रिसॉर्ट। तो क्या हुआ कि उन लोगों ने एक दिमाग लगाया कि वो सीधा गए रुइंस, ठीक है, और जो पैराडाइज रिसॉर्ट गए वो लोग सीधा वापस आ गए वहाँ से बूट कैंप लूट के। मतलब इतनी अच्छी स्ट्रेटेजी थी यहाँ पे। यहाँ पे मैं फंडा बताता हूँ क्या हुआ, मैं यहाँ पे स्पेक्टेट करना भूल गया, ये जो हर्षी बंदा है ये, इस बंदे को वेक्टर मिला, ठीक है, बंदा नीचे उतरा, वेक्टर 19 एमओ रहती है, ख़त्म, बंदे ने इसके से पेल दिया। ये मतलब ये क्लिप्स होती है तो दिख जाती है। और यहाँ पे ईवल, मतलब इस बंदे को देख के ना कुछ मज़ा आ रहा था, इसमें ना एक फैल्कन था और ये 100 RP वाला बंदा था, तो थोड़ा सा मैं सोच रहा था कि इसको ही दिखाऊं, बट मतलब बहुत सही गेम प्ले चल रहा था इनका, इतना अच्छा गेम प्ले मैंने पहली बार देखा था, बहुत अच्छा लगा मेरे को, बहुत बढ़िया था, क्योंकि पिछला जो स्ट्रीम था मेरा वो स्ट्रीम तो एकदम ख़राब चला गया था, इसलिए मेरे को बहुत दुख लगा कि मैं उसको स्ट्रीम को क्या किया मैंने। ये देखो मैं अनिरोप को स्पेक्टेट कर रहा हूँ, वो रुइंस में, बाकी सारे टीम बूट कैंप पे थे, और ये रॉक रॉ, हाँ ये देखिए ये है पैराडाइज, यहाँ पे टीएनजी क्लैन आपको पता ही होगा। तो गाइस, मेरे को जिसने स्पेक्टेट करने के लिए दिया था उनका नाम है गेमिंग अमन, आप जाके उनको एक बार देख सकते हैं, उनका जल्दी से आप 1000 सब्सक्राइबर्स पूरा कर दीजिए तो वो कुछ ज़्यादा बड़ा धमाका लाने की कोशिश करेंगे, उन्होंने कहा है, तो जल्दी से जाइए और उनके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अरे पहले अपना भाई का तो कर दो, यहाँ पे क्या कमेंट्री डालूँ मैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऊपर से व्यू है, ये पूरा ऊपर से व्यू दिख रहा है आपको, एक बार चेक कर लीजिए पूरा ऊपर से व्यू। यहाँ पे क्वांटम की टीम है और यहाँ पे और एक बंदा है, अभी देखना मैं वहाँ पे जाऊँगा और वो फाइट दिखाता हूँ आपको, रुकाइए। और यहाँ पे दबाया देखिए, और ये देखिए यहाँ पे फाइट चल रही थी इनकी, ये जो ब्लू कलर में जो बंदे का नाम आ रहा है फैल्कन फेल, ये बहुत गलत खेलता है गेम और उसके बाद मर जाता है, क्योंकि आप देख सकते हो वो अगर पीछे से रोटेट करता है यहाँ से तो वो आराम से बंदूक को अपने झांसों में ले सकता था, बट उसने रोटेट नहीं किया, वो गलत टाइप का कर रहा था। या अगर ये क्वांटम की टीम भी रोटेट मारती तो उसको भी आराम से पेल सकते थे, क्योंकि अगर यहाँ से जाते तो थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता था क्वांटम की टीम के लिए, बट अगर रोटेट मारती, बट यहाँ पे वो एकदम एच पे आ चुका था ये फैल्कन फेल, और बट वो उस तरफ से ऊपर चढ़ने लगा और यहाँ पे आया, और यहाँ पे अमन ने उनको फिनिश करने की कोशिश की, बट तब वो फिनिश नहीं हुए। तो देखते जाइए अब वो जाएंगे जोन की तरफ, और सॉरी ये जोन नहीं है, ये जोन का ग्लिच हो गया था इस कस्टम रूम में, ये सबके साथ हुआ था, ये व्हाट्सएप ग्रुप में डिस्कस भी हुआ था बहुत कि यहाँ पे ये ग्लिच क्यों हुआ था। तो ये इसका कोई फिकर मत करिए आप, ये आपको मैप पे दिखेगा, ये अभी मैं मैप पे दिखाऊंगा भी आप सबको कि क्या हुआ था। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्वांटम की टीम अभी भी है,
उधर पे और एक क्वांटम की टीम है, कि दोनों सेम ही टीम के हैं, बट स्लॉट्स की वजह से, स्लॉट्स तो भरपूर थे बट एक ही स्लॉट में चार ही बंदे आ सकते ना। अगर छः होते तो साड़ी एक साथ पहलते ना, ऐसा गंदा पहलते भाई, भूसण मचती। देखिए यहाँ पे लगी ग्लिच, ग्लिच सबके साथ हो गया था जो बहुत प्रॉब्लम दे सकती है। ये अगर 100 बंदों का होता तो यहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम देती है ये ग्लिच, क्योंकि ये जो ग्लिच है इससे बंदों को पता नहीं चलता कि कब जोन आ रहा है, और वो सोचते कि ये जोन ग्लिच है, और वो लोग डैमेज खाते जाते उन्हें पता ही नहीं चलता। तो वही प्रॉब्लम है कि इससे क्या बंदों को वो परेशानी हो सकती थी, बट बंदे चालाक है, कर लिया उन्होंने। ये देखिए ये वाला ग्लिच देख रहे हो आप, यही वाला ग्लिच सबके साथ हुआ था। तो यहाँ पे और बंदा भी लिखता है कि किसने रूम बनाया था, ऐसे ऐसे बहुत कंट्रोवर्सीज होते हैं, बट ये कंट्रोवर्सी करके कुछ फ़ायदा तो है नहीं ना। अभी रूम बन चुका था तो अब आगे देखते हैं और क्या होता है। ओ हे गाइस, वापस, अरे गलत से वो हो गया था मेरा कुछ प्रॉब्लम। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ ना, बहुत कॉन्ट्रोवर्सीज चल रही थी, तो अभी मैंने यहाँ पे देखा कि अनिरोप आ चुका था यहाँ पे, तो वहीं पे मैं छोड़ के चला गया। और यहाँ पे मैंने देखा कि अनिरोप ने थंडर को नॉक कर दिया, और यहाँ पे अमन उनको रिवाइव देने गए। अनिरोप ने बहुत सही गेम प्ले दिखाया, एक थम्स अप बनता है अनिरोप के लिए, बट अनिरोप को लास्ट में मार दिए, मतलब मर गया, क्योंकि वो 1 HP बचा था, इसलिए मतलब बंदों ने बहुत बड़ी गलती की। अनिरोप को आराम से मार सकता था थंडर, बट यहाँ पे देखिए यहाँ पे नॉक हो जाते हैं, ये देखिए नॉक हो गए। अब यहाँ से अनिरोप फिर से जाएंगे, और अनिरोप यहाँ पे देखिए ये 1 HP कर दिया उन्होंने। यहाँ से थंडर कूदेगा, थंडर कूदने के बाद इस साइड आएगा, इस साइड आने के बाद अब देखिए जस्ट यहाँ पे अनिरोप आराम से थंडर को फेल देता है, थंडर को पता ही नहीं चलता। फिर अमन यहाँ से आएगा, देखते जाइए, बट अमन आके अनिरोप को फेल देता। तो अब बचती है सिर्फ 3 टीमें, एक रॉकी टीम बचती है, दूसरी उसकी टीम बचती है। तो सिर्फ 3 टीम बचती है, और अभी देखिए यहाँ से रश कर दिया है रॉकी टीम ने, वो 2 प्लेयर्स वाले कंडम की टीम के पास, और यहाँ पे ऊपर की तरफ गए, और यहाँ पे नॉक कर दिया है क्लाउड ओपी को, और यहाँ पे जाते हैं, एक को भी नॉक नहीं कर पाए। नॉक करना तो चाहिए था यहाँ पे, बट क्यों नहीं कर किया नॉक मुझे नहीं पता, क्योंकि यहाँ पे इजी नॉक था एक। आखिर स्क्वाड क्लच भी नहीं कर पाते तो एक नॉक तो होता ही। और यहाँ पे एक सही स्प्रे था किंग का, और यहाँ पे आते हैं फिर रियल, और यहाँ पे मैं गलती से कुछ हाँ ये वाले बंदे को मैं स्पेक्टेट करता रहता हूँ, और उसकी वजह से यह प्रॉब्लम होता है। तो गाइस आपको कैसा लगा ये वाला गेम हमें ज़रूर बताइएगा, इस वीडियो को लाइक और शेयर तो ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और एक शाउट आउट गेमिंग अमन को, कि जिन्होंने मेरे को परमिशन दिया कि मैं ये टूर्नामेंट्स स्पेक्टेट कर सकूँ। तो गाइस इसी के साथ मैं आपको टट्टा करता हूँ, और टट्टा बोल रहा हूँ, टट्टी हो क्या, बाय बाय करता हूँ, और मैं और भी ऐसी वीडियोस लेके आऊँगा आपके लिए। सो बाय।